आज मैं ये बताना चाहता हूं कि तिलक लगाना भारतीय संस्कृति के अनुसार तिलक लगाना कितना आवश्यक है। बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी संध्या वंदन पूजा आदि अगर करता हो तो पहले वो तिलक लगाए और फिर पूजा वंदन करे, बहुत अनिवार्य। अगर कोई यात्रा के लिए निकल रहा है या कोई विशेष कार्य आरंभ शुरू कर रहा है और उस समय यात्रा निकलते समय कार्य को प्रारंभ करते समय कोई तिलक लगाने वाला सामने आ जाए तो समझो सुबह सुबह। और अगर कहीं शून्य मस्तक वाला बिना तिलक का निकल सामने दिख जाए तो अशुभ हो गया। इतना महत्व है तिलक का। इसलिए इतना ही नहीं, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार धार्मिक कार्य बिना तिलक निष्फल, कोई भी धार्मिक कार्य बिना तिलक के निष्फल है, कोई फल नहीं उसका। इसके साथ ही साथ ऊर्ध्वपुंड, जिसको खड़ा तिलक बोलते हैं, ऊर्ध्वपुंड या खड़ा तिलक, ये जो है ना केसर चंदन कुमकुम खड़िया मिट्टी जल से लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर ग्रीष्म ऋतु में तिलक लगाना है तो ग्रीष्म ऋतु सिर दर्द रक्तचाप और नेत्र पीड़ा से बचने के लिए कर्पूर युक्त तो खंड श्रीखंड चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इनसे बचने के लिए कपूर युक्त तो श्रीखंड चंदन का तिलक लगाना चाहिए, वो लाभदायी होगा। अगर ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में केसर कस्तूरी गोरोचन आदि उष्ण द्रव्यों का तिलक, द्रव्यों से तिलक लगाना चाहिए शीत ऋतु में, क्योंकि वही लाभदायक है। और जो त्रिपुंड है, त्रिपुंड जो होता है, त्रिपुंड किसी कौन सी उंगली से लगाना चाहिए? त्रिपुंड जो है तर्जनी अनामिका अंगूठे के द्वारा लगाना चाहिए। और मैं ये बताना चाहता हूं कि तिलक लगाना बहुत आवश्यक है, एक मस्तक की शोभा भी है और शुभकारी लक्षण भी है। अंत में मैं यही कहूंगा कि जिस प्रकार स्वभाव में नरम का, जिस प्रकार स्वभाव में नरम का, भोजन में गरम का, जीवन में धर्म का होना बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार मस्तक में तिलक का होना बहुत आवश्यक है। अतः मेरी सलाह है कि तिलक अवश्य लगाएं।